नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम चंद्र ग्रह अलग अलग भावों में स्थित होने के क्या फल होते हैं वो देखेंगे। ये हमारी ग्रहों की भाव स्थिति के अनुसार वो क्या संभाव्य फल दे सकते हैं, इस जो ये पुष्पमाला समझिए, श्रृंखला समझिए, इसका ये द्वितीय पुष्प या द्वितीय कड़ी है। हमने सूर्य क्या करते हैं ये देखा है, अब हम सोच रहे हैं कि भाई चंद्र यदि लग्न में हो तो क्या करेगा। अब चंद्र का स्वभाव क्या है, चंद्र हमें मालूम है स्त्री ग्रह है, हमें मालूम है चंद्र ये जलमय जल का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है। हमें ये भी मालूम है कि इसकी आभा कम और ज़्यादा होती रहती है। एक दिन जैसा चंद्र का जो आकार है वो दूसरे दिन नहीं रहता, वो पूर्ण चंद्र से लेके अमावस्या में पूर्ण अदृश्य होने तक के स्थितियों में जाता है। ये 27 दिन में करीबन इसको ये पार कर लेता है, तो 27 दिन में भी ये चंचल है ऐसा हम समझते हैं। चंद्र को कामी भी कहा गया, इसे चंचल कहा गया है, इसे लक्ष्मी का भाई कहा गया है ना। तो इस प्रकार से ये जो चंद्र है ये क्या कर सकता है, ये मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता है ऐसा कहा गया है पुरुष सूक्त में, और सूर्य अग्नि प्रजा तो आदि कहा गया है, तो हम चंद्र से ही देखेंगे। इसलिए आदमी का मन भी चंचल रहता है हमें पता है, इसीलिए हमें महात्मा लोग कहते हैं कि योग करके मन को स्थिर करने का प्रयत्न करो, उसी को योग कहा जाता है। बुद्धि और मन को एकाग्र करना इसे मन का है। तो ये उसका एक स्वभाव है। अब ये स्वभाव किस प्रकार से खुद को प्रदर्शित करेगा जातक के कुंडली में, इसे हम देखना चाहते हैं। चंद्र यदि लग्न में है उसका रंग ऐसा तो गोरा कहा जाता है, गोरा है भी वो, पर उसको पाटल रंग कहा जाता है। उसके वस्त्रों का रंग जो है वो गुलाबी, हल्की गुलाबी छटा लिए हुए है, इसे भी हम ध्यान रखें। उसका हमने ऐसा तो चंद्र के विषय में पहले हमारे संभाषणों में देखा ही है चंद्र क्या क्या करता है। मैं सिर्फ वो इसीलिए उसका पुनरुच्चार कर रहा हूँ ताकि कुछ छूट न जाए या कहीं संभ्रम की स्थिति न रहे कि इस प्रकार हम क्यों कर रहे हैं। वो माता का भी कारक है, ये भी मालूम है, चतुर्थ भाव का कारक है। अब ये चंद्र लग्न में जाने पे क्या होता है, तो सहसा इस जातक का चेहरा गोलाकार रहता है, वो थोड़ा शुभ्र वर्ण का रहता है ऐसा कहा गया। परंतु यहाँ ये ध्यान में रखना कि हम जब ये सब बोल रहे हैं तो हम ऐसा समझ रहे हैं कि चंद्र अकेला वहाँ बैठा है, कोई भी ग्रह उस पर दृष्टि नहीं डाल रहा, उस भाव पर भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, उसका भावाधिपति भी कुछ हम क्या कर सकते हैं कि निर्बल स्थिति में नहीं है, ऐसा समझ के हम ये बोल रहे हैं। ये कब होगा, जब चंद्र पूर्ण होगा, इसका मतलब वो पूर्णिमा के नज़दीक होगा तो ये पूर्ण प्रकृति से दिखेगा। परंतु इसके साथ और भी कुछ होता है, वो क्या होता है, ये कोई भी जो एक प्रकार का हम जिसे कहते हैं निर्णय लेते हैं, इस वक्त ये बहुत चंचल हो जाते हैं। ये आज एक चीज़ कल दूसरी चीज़ परसों तीसरी चीज़ ऐसा करेंगे। यदि जातक कुछ खरीदने गया, एक चीज़ खरीदने जाएगा दूसरी लेके वापस आ जाएगा, या वो अपना मन नहीं बना सकेगा मैं क्या लूँ, ये खरीदी इसलिए कर रहा है, ये एक बहुत छोटा हम उसे कह सकते हैं एक निशानी है कि ये चंद्र किस प्रकार से काम करता है। हाँ, इसे घूमना फिरना पसंद होगा क्योंकि ये सप्तम भाव में देखता है। सप्तम भाव में जब देखेगा, सप्तम भाव ये पति पत्नी आदि का तो स्थान है, ये व्यवसाय का भी स्थान है, और इतना ही नहीं तो ये छोटा जो हम कम अंतर का प्रवास करते हैं गमागम बोलते हैं उसका भी स्थान है। इसे ध्यान में रखिए, चंद्र है इसको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए जाके आना फिर जाना, ये इसे अच्छा लगेगा। ये वैश्य ग्रह होने से इसको व्यवसाय करने की भी इच्छा रहेगी, वो करेगा कि नहीं ये अलग बात है, उसमें हम इसलिए नहीं जा रहे कि ये हर एक के बाकी भी ग्रह काम करते रहते हैं, परंतु सहसा उसे कुछ ना कुछ इच्छा होगी कि मैं कुछ व्यवसाय करूँ, ये आपको नजर आएगा। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, जब चंद्र पूर्ण रहता है तो सहसा जो जातक है ये थोड़ा भावना प्रधान रहता है। वो पानी का ग्रह इसे मत भूलिए, वो आंखों से पानी निकाल सकता है, कुछ भी थोड़ा दुख का चीज़ देख लिए तो कोई संकट आ जाए तो ये संभावना है। परंतु ये चंद्र बलि होने से बाकी ग्रहों को बल मिलता है, इसीलिए हिंदू सर्वत्र बीजा वो कहते हैं, उसी की सब हमारे सब कर्मों की जड़ तो हमारा मन है, तो मन के पर जो प्रभाव होंगे उस प्रकार से कर्म होंगे। ये लग्न में बैठने से ये तकलीफ है, इसलिए लग्न में चंद्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ इसको अपवाद जो है वो यदि वो खुद के राशि में यानी कर्क राशि में स्थित हो या अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो नैसर्गिक की उसको बल प्राप्त होता है। बल प्राप्त होने से मन को भी बल प्राप्त होता है। मन का जो दुर्बलता है ना वो उसकी भावनाएं हैं,
इसे ख्याल में रखिए। ये सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, परंतु आप देखोगे शायद मैंने चंद्र के बारे में जब बोला उस बारे में बोला होगा कि अमावस्या के चंद्र के लोग आपको कम से कम समझेंगे नहीं कि ये इनका मन विचलित हो गया है। वो होता है हर एक का, हर एक को कुछ ना कुछ आपत्ति आने पर विचलित नहीं होगी तो वो तो इंसान ने नहीं जानवर का होता तो इंसान को क्यों नहीं होगा। परंतु इस प्रकार से इसे समझिए, इस प्रकार से जब हम चंद्र को देखेंगे तो लग्न में वो क्या कर सकता है हमें समझ आएगा। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि उसको अनेक पत्नियां रही, इसको जरा उस अर्थ में न ले क्योंकि ऐसा भी शुभ ग्रह है तो बहुत शुभ तो अशुभ काम तो नहीं करेगा, परंतु पति या पत्नी से उसका संबंध अच्छा होगा, वो कामुक भी है, काम का संबंध आता है सप्तम भाव से, इसे न बोले वैश्य है वो, इसे भी समझे, इसको कब कैसा खुद को बदल लेना ये भी समझता है, इसे जरूर ख्याल में रखें। क्योंकि केवल चंद्र लग्न में है बहुत अच्छा नहीं है ऐसा बोलने का मतलब वो सब अर्थों से बुरा है ऐसा न समझिए। अब ये चंद्र द्वितीय भाव में चला गया, यहाँ क्या करेगा, ये वाचा का भाव है, चेहरे का भाव है, तो चेहरा गोल हो सकता है वगैरह आपको पता है, यहाँ रोने का कोई संबंध नहीं है। चंद्र बाई आँख भी है, इसे भी ध्यान में रखिए, द्वितीय भाव भी आँखें दिखाता है, हमारा चेहरा दिखाता है, दांत दिखाता है, जबान दिखाता है, क्या चीज़ अच्छी लगती है वो भी दिखाता है। तो ऐसे लोगों को सहसा द्रव पदार्थ अच्छे लगते हैं क्योंकि वह चंद्र है ना, चंद्र लवण उसकी जो रसना है वो लवण है, लवण का मतलब नमक के समान, नमकीन चीज़ें शायद इनको ज़्यादा अच्छी लगेगी जब चंद्र द्वितीय भाव में रहेगा। ये जब बात करेंगे तो इसमें देखिए हम या तो एक ही सर में बोलते रहते हैं या कुछ लोगों का सुर ऊपर नीचे जाता है। चंद्र द्वितीय भाव में रहने के बाद में ये होने का संभव ना ज़्यादा है, ऐसा भी चंद्र जब लग्न में रहता है, जो मैं बोलना भूल गया कि वो माता का कारक होने से माता का प्रभाव भी उस जातक करेगा, माता का मानेगा कि नहीं तो मालूम नहीं, पर वो माता ने उसको अच्छा करना चाहिए उसको लगते रहेगा। इसी प्रकार द्वितीय भाव में कई बार इसकी बोलने की पद्धति उसके माता के बोलने की पद्धति समान रह सकती है, होगी ऐसा नहीं, परंतु उसके बोलने की पिच जो है वो ऊपर नीचे जाते रहेगी। अटल बिहारी जी का यदि आपने भाषण सुना होगा, आप सब विद्वान हैं आपने सुना होगा, तो देखिए वो बोलते बोलते फिर बीच में रुक जाते थे फिर से चालू होते थे, तो इस प्रकार भी कई बार हो सकता है यदि चंद्र द्वितीय भाव में रहे, परंतु उसको जो खाना जो है वो नमकीन वगैरह ज़्यादा शायद अच्छा लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम चंद्र का द्वितीय स्थान की स्थिति समझते हैं, परंतु वो धन का भी कारक, धन का कारक नहीं है, माफ कीजिए, वो धन स्थान में बैठा है, तो इसलिए इसका संचित धन ऊपर नीचे होने की संभावना है। इस जातक की स्त्रियों से भी इसे धन प्राप्ति हो सकती है, इसे कभी ना भूलिए क्योंकि वो स्त्री ग्रह है ना, परंतु इसका संचित धन ये कम ज़्यादा होते रहेगा, ये संभावना काफ़ी है। नैसर्गिक है कि कुटुंब से भी संबंध कभी अच्छे कभी कम क्या खट्टे मीठे इस प्रकार के हो सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होंगे क्योंकि वो अकेला तो वो शुभ ग्रह ही है, और खासकर यदि वो हम कहते हैं कि शुक्ल अष्टमी से कृष्णाष्टमी तक चंद्र को बलि माना गया है ना, क्योंकि कारण से सादा है, उसका आकार बड़ा दिखता है, आप आकाश की तरफ दिखिए वो बलि है कि नहीं आपको समझ ही जाएगा। अब ये होने के बाद में ये तृतीय भाव में जाएंगे, तृतीय भाव में जाके क्या करेंगे, ऐसे लोगों का कई बार गला बड़ा सुरीला रहता है क्योंकि वो कंठ कंठ से अच्छे सुर निकल सकते हैं, तो कई बार आपको दिखाई देगा कोई अच्छे गाने वाले होंगे जिनका सुमधुर स्वर है और जिसको हम बोलते हैं कि अंग्रेजी में फ्लूइड बोलते हैं कि कहीं पर भी सर स्वर मुड़ सके, तो ऐसे लोगों का चंद्र तृतीय में होने की संभावना है। वो बंधु और भगिनी का स्थान होने से उनको भगिनी की संख्या ज़्यादा होने की भी संभावना ज़्यादा है, या उनकी जो अनुज होगी वो अनुज न होते हुए अनुजा होगा, तो उसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है क्योंकि चंद्र वहाँ बैठा। हाँ, उनकी माता का कई बार खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि चतुर्थ भाव का वो द्वादश भाव है और चंद्र है माता का कारक, इसे ध्यान में रखिए। माता का ध्यान शायद उनकी जो अनुजा है उस पर ज़्यादा होगा, ये भी संभावना है, उस पर उसका प्रभाव भी रहेगा, इनका पराक्रम भी ऊपर नीचे होते रहेगा, तो कभी ये बहुत तकलीफ की परिस्थिति में फिर उससे बाहर निकलना पड़ा होना, ये भी इनके एक सहसा जो काम है उसका एक भाव रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा क्रौर्य नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि वो पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव में शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, परंतु यदि ये चंद्र कृष्ण पक्ष में है और अष्टमी के आगे है या अष्टमी का है तो फिर ये पराक्रम जरूर कर सकते हैं, परंतु पराक्रम करते हुए भी ऐसा
खुलेआम जाके किसी से झगड़ा करना वगैरह ऐसी तो आदत नहीं रहेगी, आज छुपा काम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इसे समझें, ये गंदा भी है, कभी कभी यहाँ फ्लूइड वगैरह बन जाता है, कभी यहाँ पे कुछ जल की मात्रा ज़्यादा हो सकती है कंधे में, खासकर दाहिने कंधे में, ये संभावना है। मैं एक बोलना भूल गया, द्वितीय भाव में यदि चंद्र होगा और उस पर यदि गुरु और ग्रह देखते होंगे, मैं पाप ग्रह कहना सहसा उसको अच्छा नहीं समझते क्योंकि हम सब ग्रहों की पूजा करते तो पाप कैसे होंगे, तो ऐसे स्थिति में उसके बाएं आँख को कुछ तकलीफ या बाएं नेत्र से उसे कम दिखाई दे, ये संभावना होती है। राहु वगैरह होगा तो ये संभावना शायद बढ़ सकती है, वो फूली वगैरह हम जो बोलते हैं ना उस प्रकार के होने की संभावना रहती है। इसे जरूर ध्यान में रखें क्योंकि द्वितीय भाव का भी स्वामी रहता है, उसकी शक्ति भी हमें देखना है, परंतु ये संभावना हो सकती है। दूसरे भाव के चंद्र का दूसरा भी एक चीज़ है कि उसका रक्त पे अधिकार है, तो कभी कभी ऐसे लोगों को जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, रक्त में थोड़े लाल मात्रा की कमी होना, इसकी संभावना जरूर रहती है। द्वितीय भाव में होगा तो ऐसा होने की संभावना कम है। हाँ, वो जो द्रव पदार्थ पियेंगे उसमें भी उनको थोड़ा सा नमक वगैरह अच्छा लगेगा। कुछ लोग आपने देखा होगा मीठी लस्सी पीते हैं, कोई खारी लस्सी पीते, तो शायद उनका तृतीय भाव में चंद्रमा हो सकता है। ये ध्यान रखिए, इसका आधार भावार्थ रत्न करें, ये भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको कोई संभ्रम न रहे कि मैं ये कहाँ से लेके आया। तो मैंने कोई ज्योतिष शास्त्र बनाया नहीं, मैं उसका विद्वान भी नहीं हूँ, हाँ थोड़ा बहुत तो मैं जानता हूँ, और हमारे जो प्रामाणिक ग्रंथ है उनको मैं कभी भी आधार मान के चलता हूँ। केवल वहाँ जो बताया है वो किस प्रकार से प्रदर्शित होगा, इसमें मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ, बाकी लोग अलग ढंग से सोच सकते हैं। चतुर्थ भाव में चंद्र स्थित होने पर क्या होगा, माता से इसमें प्यार तो होगा ही, माता का भी इसमें प्रभाव रहेगा, परंतु कभी कभी कफ प्रवृत्ति हो सकती है, छाती में उसको कफ बार बार होना ये संभावना है, क्योंकि चंद्र की प्रकृति कफ प्रवृत्ति और वो छाती का एक वहाँ उसकी छाती दिखाई जाती है जिसके अंदर फेफड़े रहते हैं, और फेफड़े में कफ होने की संभावना ज़्यादा है। हाँ, ये कर्म भी कम ज़्यादा करते रहेगा, ये मकान भी बार बार बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव मकान भी बिताता है, वाहन होगा तो वाहन बदलने की कोशिश करेगा। आपको ख्याल में आ रहा है कि उसका बदलाव या उसका नैसर्गिक स्वभाव, ये जिस भाव में जाएगा वहाँ कुछ न कुछ बदलाव आएगा। वो यदि पढ़ाई कर रहा है तो जो स्तर पर पढ़ाई करने से उसको हमारा कुछ कर्म मिल सके, क्योंकि दशम भाव उसके बिल्कुल सामने है, उसकी जोड़ी है दोनों की चतुर्थ और दशम की, तो वहाँ पर इसका जो ये गुण मिलाना वगैरह ये कम ज़्यादा होते रहेगा। द्वितीय भाव में होगा तो स्कूली दिनों में वो कुछ एक आधी कक्षा में ज़्यादा मार्क मिला, एक आधी कक्षा में कम गुण आएंगे उसको, ये प्रकार से हो सकता है, इसे भी ध्यान रखिए। क्योंकि हाँ, इसका मकान कभी कभी जल के किसी स्रोत के पास में रह सकता है, या ऐसा रहेगा तो उसको आनंद होगा, उसका कर्म क्षेत्र भी ऐसा रह सकता है, इसे कभी ना भूलिए। इसके माता के इसके कर्म पे प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि चंद्र केवल चंद्र नहीं है, वो माँ का कारक है, और ये कारक ग्रह दशम भाव पे देख रहा है, तो नैसर्गिक है कि उसका कर्म भी कम ज़्यादा होने की संभावना है, या काम की शैली बदलने की संभावना। पर ये ज़्यादा तब होता है जब चंद्र दशम भाव में जाता है, जिसकी तरफ हम आएंगे। पंचम भाव में चंद्र जाने के बाद क्या होगा, देखिए चंद्र पानी है, पानी कोई भी चीज़ को आत्मसात कर सकता है, इसे समझिए, वो बुद्धि भी है, तो ये भी ऐसे लोग भी कभी कभी भावना प्रधान होते हैं। इनके जो हम क्या कह सकते, ये जो विषय में ज़्यादा का आगे का ज्ञान लेना चाहते हैं, इसको मैं हम क्या कह सकते हैं उसे, अनुभव सिद्ध ज्ञान आदि भी इसमें आता है, और आपको जो कम से कम ज्ञान यानी जो शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है उसके आगे की शिक्षा को काम करने के लिए, उसके आगे के स्तर की शिक्षा भी वहीं से हम देखते हैं। यहाँ पर कम ज़्यादा होने की संभावना है, या ऐसे लोग कई बार जिसको साइकोलॉजी बोला जाता है, मानस शास्त्र की तरफ वो शायद ज़्यादा आकर्षित हो जाए, जब वो उनके स्नातकोत्तर परीक्षाओं की तरफ जाएंगे, विशारद के आगे जाने की कोशिश करेंगे, तब वो उनको वो शायद ज़्यादा भाएगा, इसे आप ध्यान में रखिए। या किसी भी द्रव पदार्थ से संबंधित चीज़ों में उनको मालूमात होगी, पर वो विविध प्रकार का ज्ञान भी प्राप्त करने की क्षमता तो जरूर रखते हैं, वो उसे प्रयोग करेंगे कि नहीं वो बाकी ग्रहों पे और बाकी ग्रहों की स्थिति पे है, पर ये संभावना रहती है। कुछ भी चीज़ जिसमें द्रव पदार्थ है, ऐसे पदार्थों से वो आय भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पंचम स्थित जो चंद्र है ये ग्यारहवें भाव में देखता है, जो लाभ स्थान जिसे हम कह सकते हैं, तो उनका लाभ भी ऊपर नीचे होते रहेगा, ये भी पक्का बात है, इसे आप जरूर ध्यान रखिए। ये माता का धन भी है, तो माता भी खुद के भरोसे कुछ
आय कर सकती है। इस प्रकार से भी हम इसे देखते हैं, क्योंकि कारकत्व को कभी नहीं भूलना, ग्रह के ग्रह तो ग्रह है पर वो किसी चीज़ के कारक भी होते हैं, इसे ध्यान रखें। अब ये चंद्र षष्ठ भाव में जाता है, ये षष्ठ भाव में क्या करेगा, षष्ठ रोग का स्थान है तो माता की तबीयत ठीक नहीं होगी। इस जातक के जन्म के वक्त भी कभी कभी जातक की भी तबीयत ठीक नहीं, मत भूलिए कि चंद्र जैसा माँ का कारक है वैसा वो कलल प्रमाण में, यानी जिसको हम बोलते हैं द्रव स्थिति में, जब पहले महीने में वो गर्भ रहता है तो उसको कलल बोलते हैं, वहाँ चंद्र का अधिकार है। तो ये जातक भी शायद इसके जन्म के वक्त इसको कुछ तकलीफ हो सके, खासकर यदि उसमें कोई क्रूर ग्रह देख रहा हो, वरना माता को तकलीफ होगी या जातक अपने माता को अपना शत्रु समझे। ये संभावना है, कई बार आपको देखेंगे कि जातक अपने माँ से ज़्यादा मौसी से ज़्यादा उसे लगता है कि मौसी मेरा संगों पर ज़्यादा ढंग से कर रही है, मेरे तरफ ध्यान दे रही है, क्योंकि वो मौसी का स्थान है, माता के भाई या माता की बहन का स्थान है, उन्हें ही वो माता का दर्जा दे। ये भी संभावना हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इनके शत्रु भी ऊपर नीचे रहेंगे, कई बार शत्रु इनकी स्त्री इनकी शत्रु रह सकती है, माता तो शत्रु रहती नहीं है पर इनको लगेगा कि वो अपनी शत्रु है, ये संभावना जरूर है। ये नौकरी का भी स्थान है, ये बार बार अपनी नौकरी बदल सकते हैं। जब ऐसा देखोगे कि बार बार तो बोलना शायद आपने भी खुद ने भी कुछ किया क्या, तो वो हाँ बोलेंगे, ये संभावना बहुत ज़्यादा है, इसे ध्यान रखिए। या ये नौकरी जो है या उनका कर्म है वो पानी से संबंधित होगा, ये भी हो सकता है। कभी कभी ये बस्ती का भाग है, अपना कटी का भाग है ना, कमर के आजू बाजू की जगह है, वहाँ पर पानी भी जमा हो सकता है। जो भूल गया चतुर्थ में चंद्र होगा तो कभी कभी आपके फेफड़ों में भी पानी जमा सकता है, यदि वो बीमार है तो ही इसके बारे में बात कीजिए। कुछ भी जगह पर नहीं है वहाँ पर हवा में बात करना अच्छा नहीं है। कभी भी मेरी सलाह रहेगी कि ज्योतिषियों ने उनको स्पष्ट प्रश्न आने पे ही उतने प्रश्न के बारे में बोलना चाहिए, उसी का उत्तर देना चाहिए। ये जो पूरे जिंदगी का हम बताना चाहते हैं, बताया जाता है आजकल, मैं देखता हूँ उसको अर्थ इसलिए नहीं, क्योंकि कर्म से सब चीज़ें बदलती हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पे ही केवल तेरा है, मां फलेषु कदाचनम्, यानी फल पे मेरा अर्थ ऐसा है, आप सही कर्म करोगे तो मैं उसका कुछ ना कुछ अच्छा फल दूंगा, बुरा कर्म करोगे उसका बुरा फल पे मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, वो मिलेगा जरूर, है ना। तो इसलिए कर्म का बहुत महत्व है। ज्योतिष में केवल पत्रिका से यदि सब कुछ होता तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ब खुद हो जाता, ऐसा होता नहीं है। आप शिक्षा के आप कक्षा में जाओगे नहीं तो आप पास नहीं होगा, उत्तीर्ण होना असंभव है, इसे ध्यान में रखिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आजकल ये पद्धति है कि हाँ यहाँ पे तो है तो कुंडली में तो राजयोग है तो राजा होगा, राजा होने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, लड़ाई भी करनी पड़ती है, अपने सत्ता चलाने के लिए उसको कैसा किस प्रकार से व्यवस्थापन करना ये भी सीखना पड़ता है, वो पदवी प्राप्त करना पड़ता है, और खुद ब खुद कुछ नहीं मिलता। हाँ, हमारा जो राशि चक्र है ये बताता है कि ये संभावना है, ये संभावना तब है जब इसके योग्य कार्य करोगे तो ये आपको प्राप्त होगा, इसे ध्यान में रखिए। बारहवें पे ये चंद्र वहाँ से देखता है तो ये कई बार बाहर देश जाना आना भी इसको अच्छा लगेगा, कभी कभी इनको मन का रोग वगैरह हो सकता है, या मैंने जैसा बोला कि कटी के जो भाग है हमारा, यहाँ पे आपके किडनीज विडनीज भी आती है, यहाँ पर कभी पानी वानी जमाने होने की संभावना रहती है। पंचम में होगा तो उधर में पेट में पानी बढ़ने की संभावना रहती है, होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कृपया ध्यान में रखिए, लग्न भाव और लग्नाधिपति यदि शक्तिशाली है तो इसमें से चीज़ें बहुत कम हो जाती है, इसे भी जरूर ध्यान रखिए, वरना हम एकदम कहीं तो भी चले जाएंगे वो अच्छा नहीं है। तो इसके बाद में सप्तम भाव में आएगा, सप्तम भाव में आने पे आपको मालूम है इसको घूमना फिरना अच्छा लगेगा, इसके जो साझेदार है वो बदलते रहेंगे, पत्नी नहीं बदलेगी, ये व्यवसाय करने के लिए अच्छा रहेगा। कभी ना भूलिए कि चंद्र को वैश्य ग्रह कहा गया, तो वैश्य ग्रह तो ग्रह तो वैश्य हो नहीं सकता है ना, वो तो एक पिंड है, वो दिखाता है कि इसको ऊपर नीचे होने वाली चीजें चलती है, ये व्यवसाय का मूल भाग है, इसे मत भूलिए। कोई भी जब अपना व्यवसाय करता है कभी ज्यादा आमदनी होती है, कभी कम होती है, कभी घाटा होता है, जिसको ये सहन हो सकता है वही व्यवसाय में जाएगा, ये तो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए चंद्र वहां होने पर ये व्यवसाय करने की भी संभावना है, परंतु बाकी भी ग्रह रहते तो ये क्या करेगा मालूम नहीं, पर ये नौकरी में होगा तो भी कुछ ना कुछ व्यवसाय करने की इच्छा उसे जरूर हो जाएगी, घूमना फिरना इसको पसंद रहेगा, क्योंकि वो आपको मालूम है आवागमन का स्थान है सप्तम भाव, है ना। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी पत्नी या पति जो है इनका गोल चेहरा रहे, ये चंद्र के जो भी गुण है वो उनमें रहे,
कभी कभी इनके संबंध कभी मधुर कभी खट्टे ये हो सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा खट्टे होंगे नहीं, क्योंकि आखिरी में चंद्र है वो ऐसा शीतल ही ग्रह है, वो क्रूर ग्रह नहीं, इसे ध्यान में रखिए। अब ये चंद्र अष्टम भाव में चला गया, ये अष्टम भाव में जाने के बाद में क्या होगा, ये आपको मालूम है आयु स्थान, इसीलिए 6, 8, 12 में चंद्र को अच्छा नहीं समझा जाता। पर ये कब नहीं समझे, जन्म के समय कई बार ऐसे बच्चों को उनकी तबीयत वगैरह खराब नहीं रहती या उनके माता की तबीयत खराब नहीं रहती, इसे ध्यान में रहेगी। ये खासकर ज़्यादा तब होता है जब उस पर क्रूर ग्रह देखे, और खासकर शनि के समान ग्रह देखता होगा तो उसे सांस लेने में शायद तकलीफ होगी। ऐसे अगर यदि सप्तम भाव में या नवम भाव में चंद्र है और वो जो हम बोल रहे हैं और उसकी कुंडली दूसरी दिखा रही है, तो पूछना चाहिए कि इसने सांस लेने में वगैरह इसको देर हो गई थी क्या, क्योंकि शनि यदि वहाँ आ गया तो वो सांस लेने में देर जरूर देगा। और चंद्र के साथ आने पे बालक को देगा, कब देगा, तो उसके जन्म के समय देगा, क्योंकि जन्म कुंडली क्या है, जन्म कुंडली उस वक्त का उसका गोचर ही है, इसे कभी ना भूलिए। ये चंद्र द्वितीय भाव पे देखता, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चंद्र यदि द्वितीय भाव पे देखे तो उसको संचित धन उसका खत्म हो जाता है, मैं ऐसा नहीं मानता, मैं बोलता हूँ वही होगा, संचित धन ऊपर नीचे होगा। हाँ, ये जातक को जो वसीयत मिलेगी, क्योंकि ये वसीयत का स्थान है, ये माता से वसीयत या किसी स्त्री से वसीयत मिलने की संभावना ज्यादा है, या वसीयत भी इस प्रकार की मिलेगी जिसमें उसकी जो आय है वो कम ज़्यादा होते रहे, ये होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कभी कभी इसको भी मन इसका अशांत रहे, ये संभावना हम ना नहीं बोल सकते, क्योंकि चंद्र ये मन का कारक है, इसे कभी ना होगी। ये भी हो सकता है कि मूत्र स्थान में कुछ रोग होना वगैरह, वो रोग का जैसा षष्ठ स्थान है वैसा अष्टम भाव भी, पर यहाँ पर हमारे गुप्त इंद्रिय आते हैं, है ना, तो इसलिए उसमें कुछ रोग उस प्रकार के हो सकते हैं। स्त्री होगी तो कभी कभी जिसको हम यूरिनरी इन्फेक्शन बोलते हैं, पुरुष को भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो भी जाता है, वो जो द्रव पदार्थ जाता है उसमें कुछ ना कुछ एक प्रकार से बीमारी आ सकती है, ये भी ख्याल में रखिए। जैसा षष्ठम है वैसा अष्टम में भी है, कभी कभी जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसकी मात्रा कम ज़्यादा होना एनीमिया बोलते हैं, जिसको आदमी अशक्त लगता है, अशक्त इसलिए लगता है कि उसके लाल जो हीमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, जो पेशियां हैं, वो रक्त पेशियां, वो थोड़ी कम हो जाती है। ये ज़्यादा तब होगा जब इनके साथ मंगल भी आएगा या मंगल की दृष्टि रहेगी, षष्ठ में भी ऐसे होगा, तो उस वक्त वो हो सकता है। कभी कभी यदि स्त्री होगी तो उसका जो मासिक धर्म है वो कम ज़्यादा होना, ये भी उसमें संभावना है, इसे मत भूलिए। एक सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज भी कभी कभी उनको होता है, वो भी होने की संभावना होती है, ये केवल संभावना होती है, इसे जरूर ध्यान में रखें, नहीं तो हम एकदम कहीं तो भी चले जाते हैं पर हम नहीं देखते कि लग्नाधिपति की कितनी शक्ति है, लग्न की क्या ताकत, क्योंकि आखिरी में तो शरीर है इंसान का, तो उससे कुछ तो कुछ प्रमाण में असर पड़ेगा, इसे न भूलिए। मैं ये जानबूझ के बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि ये यही नहीं, मैं बाकी भी ग्रहों के इससे बोलूँगा शायद, क्योंकि कभी कभी भूल जाना होता है। अब ये चंद्र गया नवम भाव में, ये धर्म का भाव है, यहाँ क्या होता है। हाँ, ये माता ही उसका धर्म है, ये तो पक्का है कि माता जो बोलेगी वो सही है उसके लिए, तो ठीक है, परंतु इसकी अपने कर्तव्य की कल्पना बार बार बदलती रहती है, इसलिए इन लोगों को सहसा किसी की बात ज़्यादा देर पटती नहीं है, कुछ देर के लिए पटती है, फिर बाद में उनको दूसरे की बात पटेगी। भगवान यदि भगवान की पूजा पाठ करने वाले होंगे तो करेंगे वगैरह, कुछ दिन सब शंकर भगवान की करेंगे, तो कभी विष्णु भगवान की करेंगे, कभी भैरवनाथ की करेंगे, कभी दुर्गा के पास जाएंगे, कभी काली के पास जाएंगे, कभी किसी गुरु के पास जाएंगे, कभी किसी गुरु के पास जाएंगे, ये उनका स्वभाव रहता है। इसलिए इनको भी अपना जो अधिकारी होगा, क्योंकि नवम भाव को प्रभु भाव भी बोलते हैं, ये राजा भी है, ये राज भी है, ये राजपाट चलाने वाले अधिकारी है, और ये जातक से ऊपर जो अधिकारी है वो सब वहीं से दिखा जाता है, गुरु भी वहीं से दिखे जाते हैं। इनकी भी बात इनको हर वक्त नहीं पटेगी, ये बात पक्की है, उनसे झगड़ा करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, परंतु इनको ये उनका हर वक्त नहीं, कभी कुछ दिन मानेंगे फिर बोलेंगे वो बराबर नहीं, हमारे साहब बराबर नहीं बात कर, ये स्वभाव है, इसे कभी ना बोलिए। ये तृतीय भाव पर देखता है, इसलिए इनका पराक्रम भी कभी ज़्यादा कभी कम होगा, ऐसा तृतीय भाव में चंद्र होने से भी पराक्रम कम ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर भी होगा, परंतु ऐसा कोई बहुत बुरा नहीं है। पर इनका जिसे हम फेथ बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, ये किसी पे ज़्यादा देर नहीं रहता, ये बदलते जाता है, ये इनमें एक खामी रहती है, इसको इन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त करना सीखना चाहिए। नवम भाव या पंचम भाव से पंचम है, पंचम और नवम भाव में चंद्र का संबंध आए तो एक संतति जरूर होती है,
इसी मत भूलिए, कभी भी संतति का प्रश्न आ जाए तो एक संतति होती है, संतति के 8 प्रकार इसे ख्याल में रखिए, दत्तक पुत्र से लेके क्रीत पुत्र, खरीदा गया पुत्र जिसको आजकल एडॉप्शन वगैरह बोलते हैं, कोई डोनेशन दे के लाते हैं, कृत्रिम पुत्र जिसको हम IVF आजकल कहा जाता है ना, भ्रूण प्रत्यारोपण आदि जो बोला जाता है, ये सब पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं शिष्य भी पुत्र के श्रेणी में आता है, इसे कभी ना भूलिए। ये तो भाई सन्यासियों का क्या, कोई चिंता मत करो, उनके भी पुत्र रहते पर वो शिष्य रहते हैं। शिष्य पर पुत्र व्रत प्रेम करने वाले को गुरु कहा जाता है। प्रियम पुत्रादि यत प्रीत्या तस्मै श्री गुरु नमः, ऐसा गुरु गीता में कहा गया। आप लोग विद्वान आप पढ़ते होंगे तो पढ़ लीजिए कभी। तो यहाँ पर पुत्र की सब जो क्या कैसे व्याख्या है, ये बहुत बड़ी हिंदू धर्म में पत्नी भी 8 ढंग से देखी जाती है, पुत्र 8 ढंग से देखा, हर चीज को सहसा 8 ढंग से अलग अलग ढंग के उनको पुत्र ही कहा जाता है। और पुत्र का अर्थ पुत्री भी होती है, इसे भी न भूलिए। परंतु चंद्र होने के बाद में पुत्री ही हो गई ऐसी जरूरत नहीं, पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है, इसे ध्यान में रखें कम से कम एक। बाकी तो फिर बाकी ग्रह तय करेंगे, क्योंकि कई बार ज्योतिष के पास पुत्र नहीं हो रहा क्या होगा वगैरह ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इस वक्त इसे ध्यान रखिए। पर ये ख्याल में रख लेंगे पुत्रों में 8 प्रकार के पुत्र हैं, पुत्रियां भी 8 प्रकार की हैं, एक ही बात है। संतति को पुत्र कहा जाता है, हमारे यहाँ लिंग के हिसाब से हर चीज़ नहीं चलती। दारा जब हम सप्तम भाव को कहते हैं तो उसका अर्थ पति भी होता है पत्नी भी होता है, ऐसा तो अर्थ पत्नी ही होता है। परंतु जब तक यदि पुरुष है तो उसका अर्थ बदलेगा, पिता का तो वही रहेगा, माता का वही रहेगा, पर बाकी चीज़ों में अर्थ बदलते जाते हैं, इसे जरूर ध्यान में रखें। या माता भी बोलने के बाद में मातृतुल्य जो भी है वो भी आते हैं, पिता बोलने के बाद में जो पितृतुल्य लोग हैं वो आते हैं, इसलिए गुरु आते हैं, है ना, या आपको जो आज्ञा देंगे वो लोग आते हैं। अब ये दशम भाव में चंद्र चला गया, अब क्या करेगा, आपने देखा ये काम ऊपर नीचे करेगा, इसका काम पानी से संबंधित भी हो सकता है। इसीलिए ग्रंथों में कहा है कि पानी पे जाने आने वाली चीज़ें इसके संबंधित इसका काम होगा, इसका अर्थ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, क्योंकि हवाई जहाज से भी गया तो आखिर में पानी के ऊपर से जाना पड़ता है, इसे मत भूलिए। या शंख है, सीप है, मोती है, ये जितनी भी चीज़ें पानी से आती है इनका भी संबंधित काम भी ये जातक कर सकता है, पानी का भी काम कर सकता है, और मैंने जैसा बोला कि दिमाग से संबंधित भी काम कर सकता है, तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी हो सकता है यदि बाकी ग्रह उसको सहारा दे रहे होंगे, उस प्रकार की उसकी इच्छा हो सकती, परंतु इसका काम ऊपर नीचे रहेगा। तो ये हो सकता है कि ये कोई सलाहकार होगा जिसको अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग वक्त आते हैं, इस प्रकार के होने पर चंद्र को जरूर देखना, उसका कर्म बदलते रहता है, या जिनसे साथ काम करता है वो लोग बदलते रहेंगे। ये समझने को कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होती नहीं है, पर हम उस ढंग से उसको सोचते नहीं हैं। चंद्र है तो कई बार माता के जरिए उसको कोई कर्म मिल सकता है, क्योंकि वो माता माँ का कारक है, या माँ का कार्य और इसका कार्य भी एक हो सकता है। आजकल के ज़माने में ये ज़्यादा आसान है, पर पहले भी होता था, आत्मचिंता के लिए रानियाँ विराज करती थी, इसे हम भूल जाते हैं। तो माता के बाद में फिर पुत्र भी गद्दी पर बैठता था, इसे हम भूल जाते हैं, पर कम से कम हिंदू धर्म में तो ऐसी कोई रुकावट नहीं थी उसको कि ना कर सके। जो भी पराक्रमी है वो वीरा भोग्या वसुंधरा कहा जाता है, परंतु इसका जो भी इसकी जो जिसको हम बोलते हैं इसकी प्रसिद्धि है, ये भी ऊपर नीचे होते रहेगी, क्योंकि ये प्रसिद्धि का स्थान है, इसके मान स्थान बोलते हैं, है ना। इन सब चीज़ों में ये ऊपर नीचे होना ये खास है, पानी से कुछ न कुछ द्रव पदार्थ से संबंध आना ये खास है। वो चतुर्थ पे देखने से माता के घर पे यदि माता का कारक देखेगा तो नैसर्गिक, क्योंकि माता से इसका गहरा संबंध रहेगा, माता के प्रति ज़्यादा प्यार रहेगा, इसको अपना घर भी छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा, परंतु ये घूमते फिरते रहेगा, घर से दूर जाता रहेगा, बार बार वापस आना चाहेगा। इस प्रकार से हम चंद्र यदि दशम भाव में है तो देखते हैं, जैसा मैं बोला कि ये जहाँ कर्म कर रहा है वहाँ पर भी हो सकता है नज़दीक पास कुछ पानी हो, या पानी के जिसको हम वाटर बॉडीज बोलते हैं, कुआ हो, तालाब हो, कोई समुद्र हो, ऐसे के नज़दीक। नज़दीक का मतलब बिल्कुल वहाँ पर नहीं है, नज़दीक पास कहीं तो भी होने की संभावना रहती है, इसे जरूर ध्यान रखिए। अब 11वें में गया, 11वें में आपको मालूम है लाभ है सर्वग्रह प्रशस्त, वो कौन से मार्ग से देंगे तो वो उसी मार्ग से देंगे जिस मार्ग से वो ग्रह बताता है। तो चंद्र है तो चंद्र क्या बताता है आपको बोलो, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, बदलने वाली बार बार चीज़ें हैं, जिसमें व्यापार भी नैसर्गिक आता है, पानी से संबंधित चीज़ें हैं, द्रव पदार्थ है,
यहाँ का चंद्र कई बार बहुत सारी चीज़ों में ज्ञान देता है। इसका कारण कि वो पंचम भाव पे देता है, जो अनुभव सिद्ध ज्ञान की बात करता है या जो जरूर कम से कम जरूरी है उससे ज़्यादा ज्ञान लेने की बात करता है, वहाँ जब चंद्र देखता है तो अलग अलग विषयों में इसे रुचि रहेगी, इसमें उसको वो विषय समझने की भी संभावना बढ़ जाता है। यही फर्क है एकाध्य ग्रह का अस्तित्व होना और एकाध्य ग्रह का उस चीज़ पे अपना दृष्टि डालना। उनके तीक्ष्णता में फर्क पड़ने से कई बार थोड़े थोड़े स्वभाव बदल जाते हैं, चीज़ें भी बदल जाती है, कामी भी रह सकते हैं क्योंकि वो बुद्धि है तो, परंतु सहसा इनके शिष्य स्त्री शिष्य होने की संभावना ज़्यादा रहती है क्योंकि पंचम भाव ये जैसा पुत्रों का है वैसा शिष्य का भाव है, हमने जब भी देखा है ना। जैसा नवम में चंद्र होगा तो हाँ कभी कभी हो सकता है कि गुरु स्त्री हो उसको ये माने, है ना, क्योंकि वो ग्रह में है अनेक चीज़ें हैं, वो स्त्री भी है ये संभावना, या जो देवता की पूजा करे वो शायद स्त्री देवता पे उसका ज़्यादा विश्वास रहे, ये संभावना है। याद रखिए ज्योतिष ये संभावना का शास्त्र है, हम इसीलिए वो होने के बाद में उपाय बताए गए हैं, कुछ बताए गए, क्योंकि इसको हम हमारे कर्म से बदल सकते हैं थोड़े प्रमाण में, बहुत नहीं तो हम, क्योंकि हमारा शरीर बदल नहीं सकते, हमारे माता पिता नहीं बदल सकते, जो भी बुद्धि मिली है वो है, हाँ उसको तराश के अच्छी कर सकते हैं, तो इसे जरूर ख्याल में रखिएगा। अब ये 11वें से 12वें भाव में चला गया, चंद्र 12वें में कर क्या था, मैंने बोला 6, 8, 12 में चंद्र कई बार बचपन में 7-8 साल तक के इसकी तबीयत वगैरह गड़बड़ रहेगी, हो सकता है उसके जन्म के वक्त भी हो सकता है ऐसा, या उसके माता को तकलीफ हो सकती है। ग्रंथ ऐसा कहते कि माता पे खर्चा होगा, माता पे खर्चा होगा है कि माता की तबीयत खराब होगी तभी तो उस पर खर्चा करोगे, है ना, ये भी संभावना है, इसे नकार नहीं सकते, परंतु इसका खर्चा भी कम जाता होता है, कभी 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 ज़्यादा खर्चा करेगा कभी कम खर्चा करेगा, स्त्रियों पे या मातृतुल्य स्त्री पे वो खर्चा कर सकता है, तो उनकी तबीयत ठीक कर, हर वक्त जहाँ स्त्री आ गई वो बुरी है ये समझना भी बंद करना चाहिए, हमने अनेक प्रकार से रहती है स्त्रियाँ और आप खर्चा भी अनेक प्रकार से करते हैं, कभी कभी उनके अच्छा, क्योंकि बारवा आपको मालूम है अस्पताल है, जेल है, फलाना है, स्वप्न सृष्टि है, नींद है, तो अस्पताल में होने के कारण भी आप खर्चा कर सकते हैं, चंद्र के मार्ग से खर्चा करोगे, चंद्र है वो कम ज़्यादा खर्चा करेगा, ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से हम 12 भी घरों में घूम गए हैं। हाँ, इसका जो मन है ये 12वें में रहने से कई बार ये हो सकता है कि नींद में इसको थोड़ा सा हम क्या कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार के स्वप्न आते हैं, कुछ लोगों को एक ही प्रकार के सपने हर वक्त आते हैं, डर का संबंध या नहीं तो शनि वनि रहे या उसके साथ राहु रहे तो फिर हो सकता है कि बगैर कारण से डर होने का संभावना तो रहती है। इसको ये बाहर देश वगैरह भी बार बार जा सकता है क्योंकि चंद्र 12वें भाव में बैठा, ये केवल खर्च का भाव नहीं है, ये वो भाव है जहाँ पे आपका कुछ भी प्रभाव नहीं है ऐसा आपको लगता है, आपको मतलब जातक को लगता है, और इसीलिए परदेश भी इसी प्रकार का है, तो कई बार चंद्र वहाँ होने से आदमी की परदेश यात्राएँ होती रहती है, वो क्या वो वहीं रहेगा नहीं, वहाँ रहेगा नहीं, वहाँ रहेगा तो वहाँ पर भी घूमते रहेगा, क्योंकि ये बदलाव ये उसकी नैसर्गिक पद्धति है और चंद्र मन का कारक है, वहाँ जाने के बाद में उसको वहाँ बदलाव होना, इसीलिए आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं पूर्णिमा के वक्त वो जो थोड़े कम दिमाग रखते हैं जरा ज़्यादा ही कम दिमाग हो जाते हैं और अमावस्या के जो स्थिर होते हैं आदि जो कहा गया उसका संबंध उसके कारकत्व से, इसलिए ग्रहों के कारकत्व को कभी भूलना नहीं, कभी मैं बोलते हुए भूल भी गया यदि बाकी ग्रहों के बारे में बोलूँगा तो आप ये समझ लीजिए कि वृद्धाप काल में आदमी कभी कभी भूल जाता है, और मैं कुछ लिख के रखता नहीं हूँ आपको पता है, मैं जैसा दिल में आते जाता हूँ वैसा बोलते जाता हूँ आपको बताते जाता हूँ, तो इस प्रकार से उसे ध्यान में रखिए। चंद्र 12वें में रहने पे ये भी हो सकता है कि जातक किसी छाती के संबंधित बीमारी से अस्पताल में भी जाए, क्योंकि ये त्रिकोण करता है चतुर्थ भाव और अष्टम भाव से, इसे जरूर ध्यान में रखिए। इस प्रकार से ये द्वितीय पुष्प जो है मैंने या श्रृंखला जो है आपके सामने रखी है। अगले वक्त हम बुध ग्रह जो है हम क्या करेंगे कि मंगल के बारे में हम बोलेंगे, जिस प्रकार से हमारे वार है ना, इतवार रविवार जिसको हम बोलते हैं है ना, फिर सोमवार मंगलवार इसी प्रकार से जाएंगे और इसे भी मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद में योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने मुझे बड़े शांतिपूर्वक आप सुनते हैं, आपके सुझाव भी देते हैं, कभी कभी आपकी
अच्छा मत भी प्रदर्शित करते, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे समझो कुछ टीका भी की तो उसका मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता कि उससे भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं तो जिंदगी भर सीखूंगा ऐसा मैं तय किया है, बाकी परमेश्वर की कृपा है जैसा भी होगा, है ना। तो मैं अभी आपकी आज्ञा लेता हूँ, शुभ रजनी।